हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। उसी के साथ सुबह के बज चुके हैं 10 और मॉर्निंग हो चुकी है, बढ़िया सा गुड। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करने पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते कि भाई काफी सारे लोगों ने अभी हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो वो पहले कर लेना। क्योंकि पहले हम व्लॉग रखते थे ना, तो हम व्हाट्सएप में, फिर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सभी जगह पे लिंक रखते थे। अभी हमने लिंक नहीं रख रहे, तो काफी सारे लोगों को ऐसा होने लगा है कि हमने व्लॉग बनाने का बंद कर दिया है। तो हमारा डेली व्लॉग आता है, तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो हर रोज व्लॉग आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और लाइक कर देना। तो चलिए फिर, कल मैंने बताया था कि आप लोग कॉमेंट करो कि पापा को क्या गिफ्ट देने वाले। हमारी बहन को तो पता ही होता है, तो उसने ही कॉमेंट कर दी कि भाई साइंड गाड़ी हम लेने वाले हैं। अभी देखते हैं, एक दो दिन में फाइनली लेके आएंगे। कब लेके आते हैं वो पता नहीं, और गाड़ी क्यों लेनी है वो बता देता हूँ। गाड़ी इसलिए लेनी है क्योंकि गांव में भी हमने मकान बनाया है, वहां पे गाड़ी की जरूरत रहती है। तो वहां पे गाड़ी की जरूरत रहती है, इधर से गाँव में बस में या ट्रेन में जाते हैं तो वहां पे गाड़ी नहीं होती, तो वहां से इधर उधर जाना होता है, तो कैसे जा सकते हैं। इसलिए गाड़ी लेनी है, जो पुरानी वाली गाड़ी है वो गांव में रख देंगे, नई गाड़ी इधर रखेंगे। तो ऐसा सब कुछ प्लान बनाया हुआ है। और बीच में ऐसा हुआ था, गाड़ी अचानक से क्यों लेनी की थी वो बता देता हूँ। क्योंकि वहां पे दादा की तबीयत खराब हो चुकी थी, तो इधर से किसी को जाना पड़ता, ऐसा होता तो वहां पे गाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, ऐसा गाड़ी का सिलसिला क्यों लेने की है वो, और चलिए अभी सबसे मिलते हैं। तो सबसे पहले सोनल इधर बैठ चुकी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या फोन में देखते रहते हो? नहीं यार, ऐसा है तो ये लोगों को रील्स देखने का है। और इधर बहुत बढ़िया सा तरबूज खाने में आ रहा है, तो इन लोगों का तो अभी काम वाम फ्री होके हाथ में फोन लिया है, लेकिन ऐसे में इन लोगों को बोलता हूँ। तो चलिए, हमारा भाई भी फोन लेके बैठ चुका है। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता किया? क्या कर लिया? चाय भाखरी। चाय भाखरी। और आज के न्यूज में क्या है? न्यूज नहीं पढ़ी है भाई। तो न्यूज पढ़ के बताओ। आपकी न्यूज के लिए काफी सारे सब्सक्राइबर हमारा वेट करते होते हैं। तो चलिए, न्यूज लेने में आएगी, उससे पहले मेरा ब्रेकफास्ट करने का बाकी है, तो देखते हैं आज हम ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं। तो चलिए, ब्रेकफास्ट में अभी बनाना है वो तो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो नहीं खाऊंगा। तो हमारे लिए इधर जूस निकाल के हुए रखा हुआ है, तो जूस पियेंगे, फिर उसके बाद रोहित की न्यूज लेंगे। नाश्ता कर लिया, जूस पिया और उसी के साथ तरबूज खाया, थोड़ा हेल्दी हेल्दी खाया है। तो चलिए सोनल को पूछते हैं, हेल्दी में कभी कभार सुबह में उपमा बनाने को आता है तेरे को? उपमा कैसे बनता है? उपमा हाँ, तो कभी कभार सुबह में ऐसा बनाने का तो कभी कभार उपमा ट्राई मारेंगे सुबह में। और चलिए रोहित भाई को पूछ लेते हैं, भाई न्यूज में क्या है बता दीजिए। चलिए, न्यूज में तो भाई क्या है अभी, कुछ फ्रॉड का सब आता रहता है। क्या फ्रॉड हुआ है? किस सब आता है? और टाटा ग्रुप का है वो, उसका 30 लाख करोड़ से मार्केट कैप ज्यादा हो गया है, देश की प्रथम कॉर्पोरेट ग्रुप बन गया। और दूसरा, और चीन में देखो बर्फ के हिसाब से ट्रैफिक जाम, तो सिम में बहुत सारी बर्फबारी हुई है, नहीं गिरता है तब नहीं गिरता है, और गिरता है तब एक जगह पे बहुत ज्यादा गिर जाता है, ऐसा सब है। और दूसरा कुछ नहीं है। हम अपने पिछले साल वो मंदिर गए थे, हाँ वो मंदिर गए थे, उसका आया रामनाथ गेला मंदिर का, वहाँ पे जिंदे करस ले चढ़ाते है। तो पिछले साल हम गए थे, रील्स आई थी ना, उसके 2 दिन बाद गए थे, तो वो मंदिर पे गए ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूरे साल में एक दिन आता है, वो भी कल था। वो कल क्या होते है, एकादशी होती है, पर कौन सी एकादशी होती है वो मालूम नहीं है, उस दिन एक दिन ही होता है। भी मुझे 2 दिन पहले पता होता ना तो जरूर हम वहाँ पे जाते, तो जब रील्स आई ना तब पता चला, तो ऐसा हो रहा है अभी। तो चलिए, यानी अभी तो थोड़ा बहुत काम है वो निपटाएंगे, फिर मम्मी को मिलेंगे, फिर दोपहर के लंच में ये लोग क्या बनाते हैं वो देखेंगे। तो चलो मिलेंगे दोपहर के लंच के टाइम पे, दोपहर के एक, और दोपहर के लंच में रोटी, सब्जी, सलाद और तुरिया पात्रा की सब्जी बनाई हुई है, तो इतना सा है। कुकर में क्या बनाया है? खिचड़ी। कुकर में अभी खिचड़ी बन रही है, तो चलिए पहले तुरिया पात्रा की सब्जी खा लेते हैं। बज चुके शाम के 5 और आ चुके घर पे, और देख लीजिए चाय बनाने का चालू हो चुका है, चाय टाइम चल रहा है।
अभी सब लोग चाय पियेंगे और मम्मी देख लीजिए अभी अभी उठ के चाय बना रहे। मम्मी आप इतनी नींद क्यों आती है आपको? तो यमनम फोन देख रहे थे, मम्मी को भी फोन ले दिया है ना, तो फोन में क्या देखते रहते हो? ले नहीं दिया है, जूना जूना जो हमारा निकले पहला फोन था ना वो मम्मी को दे दिया था। हाँ मम्मी को फोन ले देंगे भाई इस साल, सभी को सबको सब ले देने का है। ऐसा है हाँ, तो मम्मी को भाई नहीं आप फोन ले देंगे 10,000 वाला। चलिए इस बार फिर भी नहीं ले देंगे भाई, अभी तुम्हारे लड़के बहुत कमा रहे हैं, एक फोन और ले देंगे। तो चलिए भाई मम्मी को फोन भी ले देने में आएगा, अभी पापा की गाड़ी तो पहले लेने दो, फिर मम्मी को फोन ले देंगे ना है। और इस साइड देख लीजिए कपड़ों की घड़ी करने में आ रही है, 5 बजे हमारी चाय टाइम होती है, इन लोगों की कपड़े की घड़ी करने का टाइम होता है। तो चलो अभी पापा ऑफिस पे ही है, वो आएंगे ना उसका सुविचार लेंगे। तो सभी चाय पी रहे हैं तो मुझे भी भूख लगी है, तो मैंने तो चाय बंद कर दी है, तो हमारे लिए मम्मी पॉपकॉर्न फोड़ रहे है, देख लीजिए तपेली में हो जाएगा। तो तपेली में पॉपकॉर्न फोड़ने में आ रहा है, चाय पक के रेडी हो गई। चाय पीने का तो भाई बहुत मन होता है, कितने टाइम से पिया नहीं है, पर लेकिन नहीं पीने का है, ऐसा ऑर्डर आ गया है। तो चाय पियेंगे, लेकिन अभी गांव में शादी में जाएंगे ना तब पियेंगे, तब 3 दिन सब शुगर वुगर की छुट्टी, वरना तो इधर तो नहीं पीने का है, ऐसा सोचा है पर्सनली। ऐसी कुछ बीमारी डायबिटीज बायबिटीज है नहीं, लेकिन नहीं पीना है। कौन है की तू, किसने बोला? देह में तो रिवाज है। और अभी पॉपकॉर्न फ्राई हो रहा है, बॉइल हो रहा है, क्या बोला जा रहा है मुझे भी पता नहीं है। तो चलो पॉपकॉर्न खाने के लिए आ जाओ सब लोग। दाणी बाणी खा के फ्री हो चुके, मस्त सा नाश्ता हो चुका है, और पापा आ गए, तो पापा का सुविचार ले लेते। सुविचार बता दीजिए कि क्या है सुविचार? आज नो सुविचार एवो छे कि आंख बंद करवाती मुसीबत जती नथी, अने आंख मुसीबत आया विना आंख उघड़ती नथी। तो देख लीजिए भाई पापा का सुविचार ऐसा है कि आंख क्या था, आंख मुसीबत जब आती है तब आप लोग आंख बंद कर देते हो, तो उसी से मुसीबत चली नहीं जाएगी, और मुसीबत आती है तभी आपकी आंख उगड़ती है भाई। कोई भी चीज में हमने भूल की हो तो हमें जब वो भूल सब लोग हमको टोकते हैं तब हमको पता चलता है कि ये भूल की थी, और मुसीबत आएगी तब आंख बंद कर देंगे तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जिंदगी में कोशिशें करते रहने की, जो भी काम होगा वो अच्छा ही होगा, और नहीं अच्छा होगा तो उसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी 6 बज चुके हैं और ये मैडम हमारा जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो कहाँ पे जाने का है बता दीजिए। चलिए तो इन लोगों को बहन को ढोसा खाने के लिए जाना है, तो हमारा क्या वागे, हमको भी खाने के लिए लेके जाने का होता है ना। हमारे तो को बाजरा का रोटला ही खाने का है, हमको ढोसा नहीं खाने का है। तो भाई हम लोग नहीं खाते है बाहर का, इसलिए हम भाई कहाँ पे खाने जाए। हम भाई कहाँ पे खाने जाए। तो चलिए हम तो जाते ही रहते हैं, तो इन लोगों को छोड़ के आते हैं। और इधर मम्मी बैठ चुके हैं, तो मम्मी क्या है अभी शाम के खाने की तैयारी कब करने की है? तो मम्मी को तो भूख ही नहीं लगती, ऐसा क्यों हो रहा है? और अभी समर अच्छी तरह से बैठने लगा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी के हिसाब से भी खाने का इतना चलता नहीं है, लेकिन विंटर में तो खाने का बहुत ही चलता है। तो चलो इसको छोड़ के आते हैं और इस वीडियो का एंड भी इधर कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दो, थोड़ी बहुत कमेंट करते रहो तो हमें पता चले कि कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं। तो कल मिलेंगे 8 बजे कुछ नए अच्छे कंटेंट के साथ, जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक ये वीडियो एंजॉय करो। बाय बाय।